अस्सलाम वालेकुम, ज़मीन मार्केटिंग में खुश आमदीद। लॉर्ड स्मार्ट सिटी की डेली अपडेट्स के हवाले से हम एक बार फिर हाज़िर हुए हैं लॉर्ड स्मार्ट सिटी की साइट पे, जहां पर ये रेलवे अंडरपास का काम हो रहा है। जीडी रोड से एग्जैक्टली यहां आके ये कनेक्ट करेगा। इस जंक्शन पे आके ये जो अंडरपास है ये इनसाइड मूव करेगा और एग्जैक्टली यहां पर ये 52 फिट इसकी वर्थ है। 52 फिट ये सारा एरिया अंडरपास में आएगा टोटल, ये जो आप देख रहे हैं डाइवर्जन ट्रैक, ये देखें आप, बेड वर्क कंप्लीट हो चुका है। ये राइट साइड का है, यहाँ से ट्रेन डाइवर्ट लेगी। ये इमीजिएट राइट साइड पर ओवरसीज़ प्राइम का एरिया है जिसमें स्मार्ट सिटी ने पोजेशन ऑफर किया है, और सबसे ज़्यादा एडवांटेज भी इस एरिया को ही होगा। आप देख सकते हैं हमारे बिल्कुल सामने मस्जिद है, ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज पे है, और उसके साथ ये स्टेम जो ये कॉलेज बन रहा है ये भी देख सकते हैं आप, डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है इसका। ये सामने अंडरपास है, रेलवे अंडरपास, और ये हमारे बैक पे ओवरसीज़ प्राइम। जीडी रोड से जब एंटर होगा ये अंडरपास अंडर रेलवे ट्रैक, तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे लेफ्ट साइड पर ओवरसीज़ प्राइम का एरिया सारा, ओवरसीज़ प्राइम जो पोजेशनड एरिया है, विद इन मंथ और टू मंथ यहाँ पर सारी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ये इसका कमर्शियल एरिया है। टिप ऑफ द डे ये है जी कि जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज होगा वो इस एरिया ओवरसीज़ प्राइम को होगा, क्योंकि इसमें इमीडिएट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। बहुत रिजनेबल प्राइजेज़ हैं, अगर फुल पेड प्लॉट भी आप देखते हैं इस वक्त 5 मरला यहाँ पे ऑलमोस्ट 35 के अराउंड है, जो कि इस एरिए का रेट भी नहीं है। और स्मार्ट सिटी की जो अमेनिटीज़ हैं वो तो फिर बहुत ही डिफरेंट है और स्टेट ऑफ द आर्ट है, जो इस एरिए में बिल्कुल भी नहीं। देख रहे हैं जी अंडरपास का एरिया है जो कि इनसाइड स्मार्ट सिटी कनेक्ट करेगा। यहाँ तक ये रोड मेटल्ड है, इसके आगे ये ओपन एरिया है, और यहाँ से ये रोड बना के इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे, और ये सामने सोसाइटी में एंटर होगी। ये बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं सोसाइटी का पहला राउंड अबाउट है, और बाकी की सारा लॉर्ड स्मार्ट सिटी। ये स्मार्ट सिटी ने बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट आई कैची और अट्रैक्टिव डोम बनाए हुए हैं। इन डोम्स का जो मकसद है ये एक तो अट्रैक्शन क्रिएट करना, और दूसरा जो मेन पर्पज़ है इसका, ये इन्होंने इसको कॉन्फ्रेंस या मीटिंग रूम के तौर पे, मीटिंग एरिया के तौर पे इसको कंसिडर किया। ये ओपन लैंड देख सकते हैं आप, ये सिलिकॉन वैली का एरिया है, ये ओवरसीज़ प्राइम, और इस एरिए के लिए वाटर टैंक है। ये वाटर टैंक जो बनाया गया है ये डाउनटाउन और जो विलाज हैं इनके लिए है। ये विलाज अपनी जो है ना कंप्लीशन उसके बिल्कुल करीब है। ये डाउनटाउन एरिया है जहाँ पे सोसाइटी अपना एक बहुत ही डिफरेंट कमर्शियल लाउंज करने जा रही है। ये लेन 10 मरला विलाज की है, और इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये फेसिंग पार्क है, मस्जिद के साथ सोसाइटी ने ये पार्क बनाया है। बहुत सी फैमिली जहाँ विज़िट के लिए आई हुई है, संडे है आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे विलाज का प्लास्टर वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है, और ये मस्जिद है ये भी आप देख लें, प्लास्टर वर्क सारा कंप्लीट हो चुका हुआ है, फिनिशिंग रहती है इनकी अब। हंड्रेड % विलाज का प्लास्टर वर्क कंप्लीट हो चुका हुआ है, ये टेम्परेरी वाइट वॉश किया हुआ है जो प्लास्टर को ड्राई करने के लिए करते हैं। फेसिंग पार्क विलाज है, ये मस्जिद, ये डक्टिंग का काम हो रहा है आप देख रहे हैं, ये डक्टिंग चल रही है मस्जिद की।
ये टेम्परेरी वाइट वॉश किया हुआ है जो प्लस्तर को ड्राई करने के लिए होता है। ये नॉर्थ साइड के विलाज है जो फिशिंग पार्क नहीं है। फिशिंग पार्क यहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से ये आप देख सकते हैं। सेक्टर ए के ये एक कनाल के विलाज हैं सारे। रिंग रोड के साथ ये आप ग्रीन बेल्ट जो देख रहे हैं, ये सोसाइटी ने इसको फ्रूट ऑर्चर्ड का नाम दिया है। यहाँ पे सोसाइटी ने फ्रेश फ्रूट्स के प्लांटेशन की हुई है और वो बहुत ज़्यादा कीन है कि यहाँ पर हम टिल एंड जहाँ तक सोसाइटी की लैंड है वहाँ तक हम ये फ्रूट ऑर्चर्ड इसको डिक्लेयर करें और यहाँ पे जो रियल फ्रूट्स फ्रेश फ्रूट्स के जो ट्रीज़ हैं वो यहाँ पर हों। ये थी आज की अपडेट लॉर्ड स्मार्ट सिटी। उम्मीद है आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको बाकी की भी वीडियोस टाइमली मिलती रहें और रियल इस्टेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे।